Powerful speech by Akbaruddin Owaisi in the assembly. Sir, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, आज शहर हैदराबाद में मेट्रो ट्रेन आई है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश असेंबली के रिकॉर्ड्स को निकाल कर देख लीजिए, शहर हैदराबाद में अगर मेट्रो ट्रेन आई है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से आई है। मैं सबसे पहले राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में, जब हुकूमत में हमारे हरीश राव साहब भी मिनिस्टर थे, सेटविन के मिनिस्टर थे उस वक्त मैंने मेट्रो ट्रेन का जिक्र किया था। आई हैड स्पोकन अबाउट द मेट्रो ट्रेन ऑफ दिल्ली एंड देन ऑनरेबल द देन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वाइस राजशेखर रेड्डी साहब अग्रीड एंड सेड विल टेक एन ऑल पार्टी डेलीगेशन एंड गो एंड विजिट द दिल्ली मेट्रो। ऑल पार्टी डेलीगेशन एंड गॉन देयर। आई रिमेंबर मिस्टर पी जनार्दन रेड्डी साहब खैरताबाद एमएलए, देन ही वॉज द वन who was fighting, yes sir, who was fighting for monorail. You were also there sir, honorable deputy speaker sir, aap bhi the us waqt. Janardan Reddy sahab monorail bolte the, main metro train bolta tha. Assembly mein gadbad hoti thi aur metro train ko lane ke liye humne jiddojahid ki. Us waqt satyam jo tha uska ulta naam maitas laga tha, maitas ko diya gaya tha. Satyam ke doobne ke baad phir se wo tender cancel hua aur मेट्रो ट्रेन दूसरों को एलएनटी को दी गई। उसके बाद में सर मेट्रो ट्रेन आई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से, अकबरुद्दीन ओवैसी के मुसलसल लड़ने की वजह से। लेकिन अफसोस इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि पुराने शहर में ही ट्रेन नहीं आई। जो ट्रेन के लिए लड़ता रहा मेट्रो के लिए, उसके इलाके में मेट्रो नहीं आई, शहर में आ गई। लेकिन अब फेज टू में प्लान आउट कर रहे हैं तो फेज टू में भी ओल्ड सिटी को नजरअंदाज किया गया है। मैं रिकॉर्ड में आके कह रहा हूं कि फेज टू में वादा किया गया था, जब मेट्रो ट्रेन लाया गया था तो कहा गया था कि मलकपेट से होता हुआ ओएसी हॉस्पिटल से होता हुआ फलकनुमा को जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। लेकिन आज भी फेज टू में पुराने शहर को नजरअंदाज किया जा रहा है। लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमने अलाइनमेंट दिया। चीफ मिनिस्टर साहब ने गवर्नर एड्रेस में कहा कि अकबर साहब एमआईएम ने भी अलाइनमेंट प्रपोज किया था, उस वजह से रुका। हां, हमने अलाइनमेंट प्रपोज किया था इसलिए कि 93 रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, इसलिए अलाइनमेंट दिया था। और हमको अलाइनमेंट, नए अलाइनमेंट को मंजूर नहीं किया गया यह बोलकर नहीं किया गया कि मूसा नदी में एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, हम मूसा नदी से मेट्रो नहीं ले जा सकते। लेकिन सर चादर घाट के मूसा नदी के ऊपर से क्या मेट्रो नहीं गई? अब क्या नहीं गई? जब मुसलमानों का, पुराने शहर का मामला आता है तो नाइंसाफी की जाती है और वजूहात बयान किए जाते हैं और कहा जाता है नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, बहाने बनाए जाते हैं। लेकिन आज कैसा चादर घाट पे मूसा नदी पे मेट्रो का स्टेशन भी आता है, मेट्रो क्रॉस भी होती है मूसा नदी में, क्या वहां पर एनवायरमेंट क्लियरेंस लिए? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियरेंस लाए? नहीं लाए, जरूरत नहीं। हम बोले तो क्लियरेंस की बात आती है, आप चाहे तो क्लियरेंस की बात नहीं होती। यही नाइंसाफी है जो हम बार बार बताते हैं और यही दुख होता है, तकलीफ होती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस ताल्लुक से भी देखेंगे।